कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। कुछ इन्हीं कहावतों को चरितार्थ करने तथा उमरिया जिले के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम तिमनी से एक तस्वीर सामने आई है, जहां सियाबाई नामक विकलांग बच्ची विकलांगता के कारण परेशान है। उसे ना तो सरकार की योजनाओं का पूर्णतः लाभ मिल पा रहा है और ना ही सामाजिक संगठनों से उसके लिए कोई पहल हो पाई। विकलांग सिया अपने पैरों के माध्यम से खुद ही भोजन करती है, वही अन्य देखभाल उसकी माँ कर रही है, जिससे वह भी कोई अन्य रोजगार के काम नहीं कर पाती। पीड़िता के वृद्ध की पिता की आंखों की रोशनी जाने के बाद वो भी खेती के कार्यों से वंचित हैं, वहीं उसके चारों भाई बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा। इस संबंध में जब जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे से बात की गई तो उन्होंने सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कही है। अब देखना लाजमी होगा कि इस पीड़ित परिवार को कब तक मदद मिल पाती है। सेवा में रहती, कुछ काम में नहीं जा पाती, न कुछ कर पाती। शासन की तरफ से कुछ मदद मिलती है? नहीं मिलती, पहले मिलती थी, फिर 3 साल बंद हो गई। 3 साल के बाद अभी करवाए है तो मिलती है, 600 रुपये। 600 रुपये मिलता है? और उसके अलावा कुछ लाभ मिला इसको, उपचार वगैरह का? कुछ नहीं मिला था। और आपके आवास का लाभ मिला है आपको? नहीं। शासन की कोई योजना मिलती है? नहीं। लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिली। क्या मांग करते हैं शासन से आप? करते हैं, मांग तो करते हैं। मेसी भी नहीं है खेती करने के लिए, और मम्मी बसें की देख रेख करती है, पिताजी हैं आँख से थोड़ी देख नहीं पाते हैं। शासन की कोई लाभ मिली योजना की? जी, शासन की तरफ से कोई लाभ नहीं मिले हैं। आवास वगैरह आपको मिला कुछ यहाँ आवास योजना का लाभ? जी, कुछ नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहते हैं कि कुछ खेती के लाने कुछ समस्याओं का हल किया जाए और हमारे आवास के लिए कुछ साधन बनाया जाए। बहन को क्या लाभ मिलता है जो विकलांग है आपकी? जी, 2-3 साल से पहले रोक दिया कि किसी कारण से। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है, उसका परीक्षण करा के वो जिन शासन की जिन योजनाओं में पात्र है उन सभी का लाभ दिलाने के लिए मैं संबंधित को निर्देशित करूँगा। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से मुझे ऐसा संज्ञान में आया कि तिमनी पंचायत में एक बच्ची है जो कि विकलांग है पूर्ण रूपेण, और वह अपना जीवन यापन नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में हमारी पूरी संवेदना उस बच्ची और उसके परिवार के साथ है, और निश्चित ही शासन प्रशासन स्तर पर इस बात की जानकारी हम संबंधित विभाग को और कलेक्टर माध्यम को देंगे। साथ ही मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहूँगा कि हमारे पूरी पार्टी की संवेदना है और हम सामूहिक रूप से सार्वजनिक प्रयास करेंगे और उस परिवार तक पहुँचेंगे और उसकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे।